हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएसी ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में दिए 20 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा चेक, सीएम ने कहा पुलिस का कार्य सराहनीय, सुरक्षा के साथ कर रही है सेवा। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र की गाइडलाइन पर की चर्चा, कहा 20 अप्रैल तक लॉकडाउन पर रखें कड़ी नजर, गाइडलाइन का करें पालन। लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने निकले मंडलायुक्त ने पास की चेकिंग, दुरुपयोग कर रहे लोगों को चेताया, गाड़ियों को क्या सीज। महिला अस्पताल में तीमारदार द्वारा नर्स की पिटाई के विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने काम काज किया ठप, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के आश्वासन के बाद वापस काम पर लौटे कर्मचारी। मंडलायुक्त ने बुधवार को किया गेहूं खरीद केंद्रों और कोटे की दुकान का निरीक्षण, टोकन से वितरण प्रणाली लागू करने के दिए निर्देश। अवैध कच्ची शराब के साथ राजघाट पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में, मुकदमा दर्ज कर रही कार्रवाई। फायर ब्रिगेड ने शहर के कई हिस्सों के साथ ही पुलिस ऑफिस को एसएसपी के देखरेख में किया सैनिटाइज, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा हमारे आवश्यक वस्तुओं के लिए सेवाओं के स्थल को प्रतिदिन किया जा रहा सैनिटाइज। लॉकडाउन के दूसरे चरण के पहले दिन भी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एडीएम फाइनेंस ने कहा पास का दुरुपयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित सभी दफ्तरों में कराया गया साफ सफाई और सैनिटाइज, जिससे कोरोना वायरस से हो सके बचाव। शासन के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक कार्ड धारकों में वितरण हुआ निःशुल्क प्रति यूनिट 5 किलो चावल, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। लॉकडाउन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में अब कम आती है जनता की समस्याएं, एडीएम सिटी ने कहा आने वाली समस्याओं का हो रहा है तुरंत समाधान। बुधवार को भी बहेवा मंडी से विभिन्न क्षेत्रों में भेजी गई सब्जी की 17 गाड़ियां, मंडी इंस्पेक्टर अंकुश श्रीवास्तव ने कहा लॉकडाउन तक चलती रहेगी डोर टू डोर सप्लाई। मुख्यमंत्री डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में कैथोलिक्स ऑफ गोरखपुर ने डीएम के माध्यम से दिए 11 लाख के चेक, कहा वैश्विक महामारी को रोकने में होगा कारगर। लॉकडाउन के दौरान बंदरों के कौतूहल ने लोगों को किया आकर्षित, चिप्स और बिस्कुट का मजा लेते नजर आए बंदर। लॉकडाउन के दौरान बुधवार को महेवा मंडी सचिव सेवा राम वर्मा ने सुबह सुबह मंडी का किया निरीक्षण, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक रामगढ़ ताल पर ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का कराया गया पालन, नियमानुसार हुई धन निकासी। और देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद गोरखपुर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई।